साहिबगंज झारखंड से बड़ी खबर आपको बता दें, हर खुलासे में फर्जी डॉक्टर के नाम। जहां इन दिनों साहिबगंज में जिले में झूले छाप डॉक्टरों की कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं, जो कारनामे अब कहानियां बनती जा रही हैं और संबंधित विभागों को भनक तक नहीं है। एक झोला छाप डॉक्टर ऐसा भी है जिसने शहर में जगह जगह क्लिनिक खोल रखा है और मरीजों का मर्ज बढ़ा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि साहिबगंज में स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों की भारी कमी है, साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टर का भी अभाव है, जिसका फायदा झोला छाप डॉक्टर उठाते हैं और जगह जगह अपनी दुकान चलाते हैं। डॉक्टर के नाम पर ऐसा इलाज किया जाता है कि किसी की जान भी चली जाती है। आइए सुनाते हैं आपको एक पीड़ित की दर्द भरी दास्तां। साहिबगंज झारखंड से सहेंद्र प्रसाद। क्या इलाज हुआ बंगाली डॉक्टर के पास? क्या इलाज हुआ यहाँ पर? यही इलाज हुआ है कि खून खींचा है और वही मैंने कि कहता है कि एक आग से सुई दिए हैं, 600 रुपए वाला सुई दिए हैं, एक सुई दिए हैं 200 रुपए वाला सुई दिए हैं, और यहाँ से मैंने कि बेल लगावा था, यहाँ से लेके यहाँ से बेल लगावा था, एकदम सब बत्ती टूट गया था, वही का बेल लगाता है, तमाने से लगाता मैंने यहाँ से आई, यहाँ से इसका पाँव मैंने कि बंडी से था, यहाँ पर से था तरवा बा में ईटा बनावा था, हाँ ईटा बने से तरवा पहने, हाँ कि नस वहाँ मैंने कि टनावेगा, नस टन आएगा, नस फूटेगा ना। खून कितना टना? खून तो टना गया है, एक गिलास टना गया है, एक गिलास, हाँ इतने से गिलास, एक गिलास सुनते आप पूछे ना कि खून का है टाने, कहता कि ना कैसे टनेंगे, मारा खून था ना, यही बोलता है कि मारा खून, अब खून निकले से ओका शरीर मैंने कि पीला ढांस हो गया, चरका हल्दी का गेट हो गया है ना, हाँ अच्छा फिर शाम को आवा कर रहा है ना डॉक्टर भेड़ करने कहते तो हमारा आदमी को सियाबा कर रहा है डॉक्टर, फिर आया तो कहता है कि यहाँ नक्का जवाब दिया है, कैसे डॉक्टर साहब हमको सुई दिया है, हराम का पैसा लिया डॉक्टर साहब। कितना पैसा लिया था उस समय डॉक्टर? तो मैंने कि पैसा मैंने कि 70,000 उतर लगा था, 70,000 मैंने कि खेत घर वाला दिया था, घर से हमारा लड़का लेके गया था और घर से 1700 रुपए लेके गए थे भैया, हाँ झूठ नहीं बोलेंगे, हाँ इतना पैसा लगा था और ये सब डॉक्टर को दिया? हाँ डॉक्टर हाँ। कुछ पैसा वापस भी किया था क्या? हाँ 2500 2500 रुपया वापस। तो उस वो क्या क्या किया इलाज में? इलाज में क्या करो, बैंडेज बना है और वही सुई दिया है और खून निकाला है, हाँ कितना पैसा लिया उसमें? अब पैसा कितना लिया नहीं लिया अभी नहीं कह सकते हैं, लड़का से वो जो अगर हम लोग मस्जिद को तो बात करिए सब घर से हमारे मन में लड़का। हमारा नाम मोहम्मद सजीम है। आपके परिवार के किसके साथ घटना घटा था ये? हमने बड़ा बाबू बराका बाबू थे। क्या नाम था उनका? शेख खलील। क्या हुआ था घटना, ये पूरा घटना बताइए। वो काम करने गए थे कहाँ? LC रोड भोला चाय वाले के भतीजा गए, वहीं पे उसके घर पर से गिर गए, ईंटा चप के वहीं पे चोट लगा, फिर उसको डॉक्टर के ले गए। कौन से डॉक्टर के पास? नेशनल मेडिकल में। अच्छा मल्लिक के। ठीक वहाँ पे एगो हौस का सुई दिया, एगो ट्रेडमार्ट का दिया, वहाँ पर से फिर घर ले आए उसको, उसके बाद फिर घर से अजय कुमार के यहाँ ले गए, अजय कुमार उसका इलाज उलाज किया, खून निकाला है और सीना पे बंडिस वंडिस ट्रेन में बंडिस किया है और उसके बाद खून निकाला, उसके बाद एक दिन बाद मेरा बाबू डेट कर गया। डॉक्टर अजय को कितना पैसा दिया गया था? 75,000 रुपये इलाज के लिए। हाँ उसके बाद वो कुछ पैसा रिटर्न भी किया क्या? रिटर्न किया था 35,000 रुपये रिटर्न किया था। 35,000 रिटर्न कर दिया। इलाज के दौरान उसके क्या किया गया था उसका, कैसे इलाज उसका किया गया था? उसका ले गया यहाँ से तो ऑपरेशन का बोला तो ऑपरेशन नहीं किया, उसका बंडिस वंडिस लगाया सीना पे, टैंक में बंडिस लगाया है और खून निकाला गया उसे। क्या था गलत किया तब? तो एक दिन बाद वो खून निकालने के बाद उसका शरीर पूरा पीला हो गया, खून तो इतना जल्दी मरता ना है और बहुत जल्दी खून निकाला, उसके एक दिन बाद डेट कर गया। कितना खून निकाला? वही 250 ग्राम निकाला गिलास में।